नमस्कार, स्वागत है आपका Day 28 में। RIMC मैथ्स की कॉन्सेप्ट सीरीज चल रही है और काफ़ी डिमांड बच्चों की आ रही है कि सर आप ये फैक्टराइजेशन करवाइए इस कॉन्सेप्ट सीरीज़ में। मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ और इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बना चुका हूँ, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो मैंने काफ़ी पहले बनाया था, अगर आप हमारे ही यूट्यूब चैनल में वीडियोज़ में सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बहुत डिटेल्ड में मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चों की डिमांड में मैं फिर से फैक्टराइजेशन लाया हूँ। और फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है और एक क्वेश्चन भी हम उस पर बेस्ड करेंगे, क्या अप्रोच बच्चों की होने वाली है या होनी चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली फैक्टराइजेशन का मतलब है किसी के फैक्टर्स निकालना। जैसे 15 को मैं फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3 × 5 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अगर आप किसी भी नंबर को या किसी भी एक्सप्रेशन को, ठीक है, अगर आप समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकें, अब वो समथिंग इंटू समथिंग ज़रूरी नहीं कि दो बार हो, वो कितने भी हो सकते हैं, समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग इंटू समथिंग, इतने मैक्सिमम पॉसिबल आप उसको फैक्टर्स में लिख सकते हो, उसी प्रोसेस को हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास है 5a + 5b, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ समथिंग प्लस समथिंग। ये समथिंग प्लस समथिंग के फॉर्म में है, क्या ये फैक्टराइजेशन है? नहीं। इसको हम कब कर सकते हैं फैक्टराइज? जब इसको हम समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्म में, तो मैं क्या 5 कॉमन लेकर ब्रैकेट में अगर a + b लिखूं तो हाँ, अब ये समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्म में हो गया है, हाँ। लेकिन एक समथिंग के अंदर कुछ प्लस वाले भी टर्म्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली है तो ये समथिंग इनटू समथिंग। समथिंग इनटू समथिंग का मतलब होता है कि मल्टीपल टर्म्स को हम लोग फाइनली सिंगल टर्म में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। 5a + 5b में दो टर्म्स हैं, लेकिन 5 × a + b हैज़ ओनली सिंगल टर्म, ओके तो मैं बच्चों को इस तरीके से भी एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4 × 8, तो दिस इज फैक्टराइजेशन। अच्छा, हम 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने लिखा 4 × और ब्रैकेट में लिखा 2 + 2, ठीक है, सॉरी नॉट 2 + 2, 4 × 2 लिखा आपने, ठीक है। अच्छा, 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 + 2 × 2, ठीक है। तो सब आपको 8 ही तो दे रहा है, लेकिन समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्या आप इसको 4 + 4 लिख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ समथिंग इंटू समथिंग। ये क्या है? ये समथिंग प्लस समथिंग के फॉर्म में है। समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में जब आप उसको फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करोगे तभी हम उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। लेकिन इस समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका कॉमन लेना है, ठीक है, जिस तरीके से हमने कॉमन लिया यहाँ पर समथिंग इंटू समथिंग के फॉर्म में बनाने के लिए, कुछ और तरीके भी हैं, आइडेंटिटीज़ हैं। तो प्लीज़ आप मेरा एक वीडियो देख लेना जिसमें मैंने बच्चों को ट्रिक समझाइए वो कैसे आइडेंटिटीज़ को याद कर सकते हैं, ठीक है। देर इज़ अ प्रॉपर वीडियो ऑन इट, आप ज़रूर उस वीडियो को देखना, आपको ऊपर उसका लिंक भी दिख जाएगा। चलिए तो एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने फिर से कहा कि कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको आने चाहिए, जैसे a + b का होल स्क्वायर। ये a + b का होल स्क्वायर का मतलब है a + b × a + b तो है ये, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो ये जो समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, तीन टर्म्स को आपने एक टर्म में चेंज किया है, ठीक है। तो आइए लेट्स डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जैसे ये सवाल है, ठीक है, a² + b² - something, तो ये देर आर 3 टर्म्स इन इट। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, देखो मुझे साफ नजर आ रहा है a² + b² में मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ, ब्रैकेट खोल लेता हूँ, इट विल बी -2ab + ac and -bc, ओके okay? अच्छा, 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में, तो दिस इज गोइंग टू बी +2ac and -2bc। अच्छा, सिर्फ अगर आप इतने में नज़र डालेंगे a² + b² - 2ab, तो क्या आप कह सकते हैं कि ये a - b का होल स्क्वायर है? अल्टीमेटली आपका एम क्या है? ये जो टर्म्स आपको दिए ना एल्जेब्रिक समथिंग प्लस समथिंग, इनको एट द एंड समथिंग इनटू समथिंग में चेंज करना, तो उसी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसको आपने थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, लेकिन आगे फिर क्या आगे है, 2ac - 2bc। क्या मैं 2c कॉमन ले सकता हूँ? फैल्टिक 2c कॉमन, क्या ब्रैकेट में a - b देख रहा हूँ मैं, ओके okay? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a - b × a - b है, मतलब a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2c × a - b है, तो इन दोनों टर्म्स में a - b कॉमन है, तो आप a - b कॉमन ले सकते हैं। इफ़ यू टेक a - b कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक a - b बच जाएगा, और फिर प्लस क्या बच जाएगा, 2c, ओके okay? तो अल्टीमेटली आपने समथिंग प्लस समथिंग को एट द एंड समथिंग इनटू समथिंग में चेंज कर लिया। हाँ, उस समथिंग के अंदर ऐसे प्लस माइनस वाले ऑपरेशंस हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली है तो ये समथिंग इनटू समथिंग,
तो मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना फैक्टराइजेशन स्ट्रांग करना है तो जो मेरे डिटेल्ड वीडियो उनको ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। ओके, जब तक आप वो सारे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका फैक्टराइजेशन अच्छा होगा नहीं। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से भी हम लोग फैक्टराइज करते हैं, बाय टेकिंग कॉमन भी, आइडेंटिटीज़ का भी यूज़ करते हैं। तो ये तीनों वैरायटी आपको देखनी पड़ेगी और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको इनमें सॉल्व करने पड़ेंगे। आरएमसी के पीवाईक्यू ज़रूर कीजिएगा, तभी आप फैक्टराइजेशन में कंफर्टेबल हो सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।